मैं सरपंच हूँ सीनियर की। शासन द्वारा जितने योजना चलाई जा रही है उतना लाभ है ना सरकार द्वारा सब दे जा रहे हैं। हम सभी लोग सरपंच सचिव पंच हमारे सब मिलजुल के सब काम कर रहे हैं, योजना का सब लाभ दिला। मेरा नाम दिलीप कुमार मालाकर है, मैं ग्राम पंचायत सिवना में सचिव पद पर पदस्थ हूँ। तो शासन के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उसका हम बड़े अच्छे ढंग से काम छोटे से छोटे व्यक्ति तक उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनको लाभ दिलवाते हैं। और मतलब कि जैसा भी उनको मिलना चाहिए, जिस योजना में मिलना चाहिए उस योजना में उसको लाभ दिलवाते हैं। बढ़िया उनको मतलब कि कोई परेशानी नहीं हो जाता, इस प्रकार से हमको घर तक मतलब कि सलामत और योजना प्रचार प्रसार और उनको लाभ दिलवाने को। रोजगार गारंटी योजना जब से चालू हुई है तब से मतलब कि अभी तक हमने लगभग 50-55 लाख का काम करवा दिया है, जिसमें अपने कपिल धारा कूप है, अपने वृक्षारोपण का कार्य है, निर्मल नीर है, निर्मल वाटिका है, इस प्रकार से मतलब कि बहुत ग्रेवल रोड है और भी मतलब कि और हमारे यहाँ पर एक जल संसाधन विभाग की तरफ से भी एक तालाब का गहरीकरण हुआ है। बहुत अच्छा बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, जिसका लाभ मतलब कि किसान लोगों को अच्छा लोगों को मिल रहा है। और जैसे हमारी योजना चल रही है, हम ये योजना में मतलब कि हितग्राही को जैसा मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए, जिस हिसाब से मिलना चाहिए और जो जिस योजना में भी आ जाए उस योजना में उसको मतलब पात्रता अनुसार लाभ दिलवाते हैं। चुना क्रमांक 2 की कार्यकर्ता हूँ और हमारे पास सभी मतलब 0 से लगाकर 6 वर्ष तक के बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं, धात्री महिलाएं आती हैं जिन्हें हम पोषण आहार देते हैं। और हमारे पास कुछ बच्चे रहते हैं जो अति कम वजन के रहते हैं, जिनकी देखभाल हमें विशेष रूप से खास तरह किस्म से मतलब करते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो बच्चा 11.5 सेंटीमीटर से कम में आता है उसको हमको रेफर करना पड़ता है खंडवा बाल शक्ति केंद्र में। उस बच्चे को वहाँ पे कई प्रकार की सुविधाएं मुफ्त में मिली जाती है एवं उसके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और वो बच्चा थोड़े ही दिन में मतलब वहाँ से आने के बाद स्वस्थ मतलब सामान्य की श्रेणी में आने लगता है और उसमें सुधार काफ़ी अच्छा बढ़िया आने लगता है। मेरा नाम प्रतिभा मालकर है, मैं गाँव सिवना की आशा कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ पर मन लगाकर काम कर रही हूँ। हितग्राहियों को जनरल स्पेस की सुविधा दिलाती हूँ, जिसमें 1400 रुपये का चेक दिया जाता है, उसका लाभ भी दिलाता हूँ। और मेरा महीने में प्रथम शुक्रवार टीकाकरण होता है, जिसमें मैं उपस्थित रहती हूँ। मेरे यहाँ KNM दीदी बहुत अच्छी है, जो एकदम ध्यान से टीकाकरण करवाती है। मैं उनकी सहायता भी करती हूँ, मेरी आंगनवाड़ियाँ उनकी सहायता करती हैं, जिसमें वो लोग 3 बजे तक रहती हैं, जिससे जांच से इंदिरा आवास का लाभ मिला। मुझे सरपंच सचिव ने इंदिरा आवास का लाभ दिया है। पंचायत से तरफ से पेंसिल मिलती है, विधवा पेंसिल मिलती है। पंचायत की तरफ से कोई पेंशन मिलती है तुमको? हाँ, मिलती है। कौन सी मिलती है? वृद्धा पेंशन।